आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ हिमालय की डायरेक्स टैबलेट के बारे में। वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की मेडिसिन ये टैबलेट्स रहती हैं, क्या इनमें मिलाई गई जड़ी बूटियाँ रहती हैं, किन किन रोगों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, सही सेवन मात्रा, सही सेवन विधि और सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हिमालय की डायरेक्स टैबलेट्स के साथ में। डायरेक्स टैबलेट इनको कहा जाता है, ये मेडिसिन काम आती है मेन लूज मोशन की कंडीशन में, अतिसार यदि हो जाता है, कोलाइटिस के रोग में। इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ध्यान दें इसके कंपोजिशन के ऊपर कि किस तरह की जड़ी बूटियों का यूज़ इसको बनाने के लिए किया गया है। तो इसके फॉर्मुलेशन को देखने से हमें मालूम होता है कि इसका जो मेन की इंग्रेडिएंट है वह रहता है कुटज की छाल और उसके अलावा गुड़ुची। इन मेडिसिन के अलावा इसके अंदर बेलपत्थर का, सूखे हुए बेलपत्थर का पाउडर मिलाया जाता है, दाढ़ीम इसके अंदर मिलाई जाती है, अनार जिसको बोला जाता है, शंख भस्म इसके अंदर मिलाई जाती है और मुस्तक इसके अंदर में मिलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये इसका फॉर्मुलेशन रहता है और बिल्व और कुटज ये दो सबसे मेन इंग्रेडिएंट हैं। दोनों ही तत्व 245 mg प्रत्येक टैबलेट के अंदर में इनका एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। तो बात करते हैं कि यह हमें किन किन रोगों में फ़ायदा करती है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो मेडिसिन है डायरेक्स टैबलेट, इसका जो यूज़ आप कर सकते हैं मेन आप करेंगे अतिसार की समस्या में, कुछ भी उल्टा सीधा खा पी लेने के बाद में, अथवा मौसम के प्रभाव से बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में या बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में रोगियों को अक्सर दस्त लग जाया करते हैं, बार बार उनको जो है दस्त करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में यह डायरेक्ट टैबलेट आपकी बहुत अच्छी हेल्प करती है। चूंकि कुटज की छाल और बिल्व जो है दोनों ही काफ़ी अच्छी मेडिसिन है अतिसार को रोकने के लिए, एक बहुत गुणकारी एंटी डायरियल मेडिसिन के तौर पर इन दोनों ही जड़ी बूटियों को जाना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर शंख भस्म मिलाई गई है जो पाचन संबंधी विकार, पूरे ही डाइजेस्टिव सिस्टम और स्पेशली इंटेस्टाइन के ऊपर जो है अपना प्रभाव दिखाती है। उसकी जो नेचुरल कार्य क्षमता प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम यह शंख भस्म करती है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यदि कंडीशन बन रही है क्रोनिक कोलाइटिस की, आंतों में सूजन आ रही है, चिपचिपापन रोगी को आता है, कुछ भी खाने के बाद में तुरंत उनको ऐसा लगता है कि फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी यह हिमालय डायरेक्ट टैबलेट आपकी जो है हेल्प करती है। अब यदि बात करें हम इस मेडिसिन की सही डोजिंग के बारे में, सही सेवन विधि के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो है नॉर्मली दिन भर में 2-3 बार सेवन किया जा सकता है रोग के लक्षणों के हिसाब से। यदि आपको अतिसार का रोग हो गया है, दस्त लग गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी 2-2 टैबलेट हर 3-4 घंटे के बाद में रिपीट कर सकते हैं अपने जो दस्त आपको लग रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। दिन भर में इसको यदि 4-5 बार भी 2-2 टैबलेट करके आप सेवन कर लेते हैं तो भी सुरक्षित रहता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से पैदा नहीं होती है। उसके अलावा यदि आप इसको सेवन कर रहे हैं दस्तों के बाद में एक नॉर्मल मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर, तो ऐसी कंडीशन में जब आपके दस्त रुक गए हैं, आपको दिन में 1-2 बार ही फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, तब आप इसकी केवल 2-2 टैबलेट सुबह और शाम के समय पर लेंगे। बच्चों के लिए इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, 1 सुबह और 1 शाम। उन सब के बाद में यदि बात करें इस मेडिसिन की सेवन करने की सही प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंड्स, इसको यदि आप गुनगुने गर्म पानी के साथ में सेवन करें तो अच्छा रहता है। उसके अलावा इसको आप ORS के घोल के साथ में सेवन कर सकते हैं, तब भी यह काफ़ी गुणकारी मेडिसिन रहती है। चूंकि बार बार आपको दस्त लग रहे हैं, अतिसार हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी आप लगातार पीते रहें और उस पानी को यदि आप उबाल कर रख लें, उबला हुआ पानी ठंडा करके छान कर यदि आप पीते हैं, तो काफ़ी अच्छा यह फायदा करता है अतिसार के रोगियों को, और ऐसा ही पानी उनको पीना ही चाहिए। परचेस करने का लिंक मैं आपको वीडियो के फिलहाल के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस हिमालय डायरेक्ट टैबलेट के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, सबसे लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।